हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, बात करने जा रहा हूं मैं अभी थोड़ी देर पहले टी सीरीज में एक नया गाना है, राता कालिया। जी हाँ दोस्तों, राता कालिया के जो सिंगर है उनका नाम लेने से पहले थोड़ी सी हम उनकी जर्नी की तरफ एक बार हम पलट कर देखते हैं। जी हाँ, एज एन होस्ट उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कई शोज़ में एज एन होस्ट की अपनी शुरुआत की। उसके बाद वो आए हमारे इस इंडस्ट्री में, कदम रखने के बाद उन्होंने बैक टू बैक हमें हिट फिल्म्स दी। और इंडस्ट्री पे जैसे कदम रखा तब पता चला कि भाई ये हैंडसम हंग मुंडा, इतना टैलेंटेड मुंडा, बहुत अच्छी आवाज़ भी अपने साथ लेकर घूम रहा है। तब फिल्म मेकर से दिमाग लगाकर इस बंदे की आवाज़ का भी इस्तेमाल करके इस इंडस्ट्री को एक बैक टू बैक नए गाने देने लगे, जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगे। इनके गानों के लिस्ट में से अगर मैं एक गाना बाहर निकालूँ तो आपको उस गाने के नाम से उस बंदे का चेहरा सामने आ जाएगा। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं आयुष्मान खुराना का सॉन्ग पानी दा। जी हाँ, ये एक ऐसा सॉन्ग है जो हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और हमें वहाँ से पता चला था भाई आयुष्मान खुराना एक अच्छे एक्टर तो है ही, लेकिन ये बहुत अच्छे सिंगर भी है और ये बंदा इंडस्ट्री को बहुत अच्छे गाने दे सकता है। और वहाँ से फिर आयुष्मान खुराना ने जो ट्रैक पकड़ी एक्टिंग और गाने की, तो बंदा अभी तक रुका नहीं। उसकी बहुत सारी हिट फिल्म्स हम सभी के बीच में आ चुकी है और अभी जैसे मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले टी सीरीज़ में उनका नया गाना आया राता कालिया। अगर आप इस सॉन्ग को देखेंगे तो आप इस सॉन्ग के अंदर देखेंगे कि आयुष्मान खुराना कोई ज़्यादा ऐसे फंकी उनके लुक में आपको नजर नहीं आएंगे। सिंपल सा उन्होंने ब्लैक शर्ट पहना है, फॉर्मल लुक में हमें दिखेंगे। कोई ज़्यादा ऐसा लोकेशन वगैरह का कुछ ऐसा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, सारा फोकस गाने पर, गाने के लिरिक्स पर किया गया है, तो आपको ये गाना कहीं ना कहीं होल्ड करके रखता है। और जैसे कि अभी आपको पता है सैड सॉन्ग, रोमांटिक गाने, ब्रेकअप, मॉशअप, ये सब चल ही रहा है, उसी ट्रैक पर शायद आयुष्मान खुराना भी जंप लगा ली है और हम सभी के बीच में एक राता कालिया बहुत बढ़िया सॉन्ग लाया। जैसा नाम है राता कालिया, पूरे सॉन्ग्स में आप देखेंगे उनकी रात सारी काली ही दिखाई दे रही है और वो काफ़ी सैड है उन चीज़ों के अंदर में। और कहीं ना कहीं बीच में जो कॉन्सर्ट के जो डाले हैं जिसमें आयुष्मान खुराना एज एन सिंगर दिख रहे हैं, जो एक कॉन्सर्ट में गाना गा रहे हैं, तो ऐसा करके भाई एक सॉन्ग है जिसके अंदर में आप देखेंगे कि भाई आयुष्मान खुराना की जो आवाज़ है वो तो वाकई काबिलियत तारीफ है। तो जस्ट गो एंड वॉच राता कालिया एंड टेल अस कि आपको आयुष्मान खुराना की आवाज़ कैसी लगी।